दोस्तों मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। हम में से शायद ही कोई होगा जो अपने बचपन की किसी कड़वी याद को आज तक ना भुला पाया हो। दोस्तों कई बार हमारे साथ छोटी उम्र में कुछ ऐसा होता है जिसका असर हमेशा हमारे जहन में होता है। कई लोग तो 70 के हो जाते हैं फिर भी अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा से डील करते हैं। दोस्तों यूपी के उन्नाव में छोटी उम्र में कुछ बच्चों के साथ जो हुआ वो उनके साथ ऐसी ही इस याद को दिखाता है जो शायद ताउम्र उनके साथ चलेगी, और देश में प्राइवेट स्कूलों के कॉकस की वजह से ये याद उन्हें झेलनी पड़ेगी। वो प्राइवेट स्कूल जो अपनी फीस के लिए किसी बच्चे को सरेराह अपमानित करने से भी पीछे नहीं हटते। यूपी के उन्नाव के बागरमऊ में फीस न जमा होने पर एक प्राइवेट स्कूल ने कुछ बच्चों को कड़ी धूप में खड़ा कर दिया। यही नहीं, उन्हें एग्जाम में भी नहीं बैठने दिया गया। बच्चे एग्जाम देने के लिए छटपटा रहे थे, जोर जोर से बिलख बिलख कर रो रहे थे, उसके बाद भी स्कूल वालों का दिल नहीं पसीजा। बच्चे कहते रहे कि पापा आएंगे, पैसा जमा कर देंगे, लेकिन कौन था सुनने वाला। कौन स्कूल में पढ़ती हो? बाल विद्या मंदिर। क्या बात हुई थी, क्यों निकाला गया आपको? सर ने हम लोगों की फीस नहीं जमा थी, अभी 2 दिन हुए फीस मांग रहे थे, अभी जमा नहीं हुई थी। हमने वापस घर पे कहा था पापा आ जाते, पेपर नहीं दिया। इन लोगों ने हमको खड़ा रखा है पूरा दिन खड़ा रखा। दोस्तों छोटे बच्चे रोते हुए जब अपने अपने घरों को पहुंचे तो उन्होंने सब कुछ अपने घर वालों को बताया। जाहिर है किस माँ बाप को सहन हुआ होगा कि उनके बच्चों को पूरी क्लास के आगे ऐसा टॉर्चर किया गया। तो पेरेंट्स बच्चों को लेकर स्कूल पहुंचे और शिकायत की। अब पेरेंट्स ने इस मामले में शिक्षा विभाग और SDM से बात करने की बात कही है, लेकिन ये बहुत ही गंभीर मसला है। हर शहर में, हर कस्बे में, हर गांव में दोस्तों प्राइवेट स्कूलों की गुंडागर्दी ऐसी चलती रहती है। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन मजालक किसी की हैसियत हो जाए कि इन प्राइवेट स्कूलों के सिंडिकेट को तोड़ दे। आखिर किसी स्कूल की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो छोटे छोटे बच्चों को पूरे दिन धूप में खड़ा कर दे क्योंकि उनके पेरेंट्स फीस नहीं भर पा रहे। पेरेंट्स टीचर मीटिंग किसके लिए होती है? मतलब स्कूल वालों को बड़ों से बड़ों की बातें करनी चाहिए ना। अगर किसी ने फीस सबमिट नहीं की है तो टीचर या स्कूल का स्टाफ उसके पेरेंट्स से बात करे, बच्चों को उसकी सजा क्यों मिले? आज इन बच्चों के साथ जो हुआ क्या ये ताउम्र भुला पाएंगे? उनके मन में हमेशा ये कड़वी याद रहेगी कि क्योंकि पापा स्कूल की फीस नहीं सबमिट कर पाए थे इसीलिए उन्हें एक दिन पूरा धूप में खड़ा कर दिया गया था। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों जितना हो सके हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए हर वीडियो में दिए गए थैंक्स के ऑप्शन क्लिक कीजिए।